आचार्य गण सबका स्वागत करता हूँ। हमारे सामने जितने भी आचार्य जी दीदी जी लोग बैठे हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग बहुत सिंपल फैमिली से हैं। मेरा शिक्षा दीक्षा 10वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम से ही हुआ था। 11वीं और 12वीं में मैंने इंग्लिश में स्विच किया क्योंकि बुक्स जो किताबें थी अवेलेबल में ज़्यादातर अच्छी इंग्लिश में होती और अपनी अलग जो भी कंस्टेंट्स थे तो स्ट्रगल सबसे पहले वही स्टार्ट हो गया था। 10th तक तो बहुत अच्छा चला, ठीक है। स्कूल में आप लोगों को भी पता है स्कूल का पढ़ाई और कॉलेज का पढ़ाई में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर जाकर के जब कॉलेज जब 11th 12th में गए तो बिल्कुल फिजिक्स समझ ही नहीं आया। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ में एक डिक्शनरी लेके बैठते थे तो बेसिकली समझ इंग्लिश की भी पढ़ाई करनी होती थी और मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी पढ़ाई करनी। मैंने 12वीं की और उस साल मैं हो गया फेल। और फेल भी अच्छे तरीके से हुआ कि मतलब ऐसा भी नहीं कि पीछे रैंक आ रहा हो कुछ हो रहा हो, प्रॉपर फेल। फिर झटका लगा कि अब तक स्कूल में तो बहुत टॉपर होने लगते थे, बहुत शेयर बन के घूमते थे। 12th में भी नंबर अच्छी ठाक एवरेज आ गया लेकिन IIT के एग्जाम में फिर पहली बार फेलियर का सवाल चढ़ा। तो फेलियर के बाद एक चीज़ समझ में आई कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है चीज़ों को समझना। आप लोग पहला चीज़ ध्यान रखिए कि जब तक तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी तब तक उसको समझने की कोशिश की। क्लैरिटी नहीं रहेगा बहुत समस्या होगी। आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका आगे का कोई सवाल हल नहीं होने वाला। ये हमसे आप लिख लेते हैं, आप रट के एक सवाल लिख सकते हैं, एक सवाल कर सकते हैं लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो उस तरीके के हजारों सवाल आ जाएंगे। वही थ्योरी वही दिमाग लगा करके आप सॉल्व कर लेंगे। मेरे को पता है बताया आपको कि पहले अटैम्प्ट में IPS और दूसरे अटैम्प्ट में IAS हो गए थे ये किसी न्यूज़पेपर में दिया था, जहाँ तक मुझे याद है किसी न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ था। बहुत गूगल करके देखते हैं लेकिन मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। मेरा तीसरा साल में IPS हुआ था, 3 साल की तैयारी में IPS पहले 2 बार में नहीं हुआ था सर, और 4th बार में IAS हुआ। तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि मैं एक बार फेल हो चुका था IIT की तैयारी के समय। तो फिर मैं आगे गया तो फिर पहला बार फेल किया तो समझ में आ गया। क्लैरिटी थी, क्लैरिटी वाला चीज़ में दिक्कत नहीं था, चीज़ें समझ में आ रही थी लेकिन क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा था जो था कि इसमें मेहनत कितना करना है वो चीज़ क्लियर नहीं था। तो दूसरा लेसन यहाँ मैं सीखा परसिवरेंस। परसिवरेंस एक इंग्लिश वर्ड है, बहुत हाईफाई वर्ड लगता है लेकिन सिंपल सा ये समझ गया आप इसको। आप जो काम आज कर रहे हैं कल भी वही काम कर रहे हैं, परसों भी वही काम कर रहे हैं। आपका लक्ष्य जो है 1 साल बाद का है लेकिन लगातार 1 साल आप मेहनत किए, बीच में किसी भी ऐसा दिन नहीं हुआ जो आप डगमगा। आपने लगातार मेहनत की, आपका एक होता है कि सामने गोल दिख रहा है तो 1 साल में इतना पढ़ लेना है, यहाँ से स्टार्ट किए, बीच में कुछ लोग आ रहे छोड़ कौन करेगा कुछ और करते हैं, कोई इधर भटक गया कोई उधर भटक गया, कोई सोशल मीडिया पर घुस गया, कोई कहीं और चला गया, टिकटॉक बना रहे हैं, ये सब करते रहते तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन एक कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम देखेंगे लक्ष्य और वहाँ तक जाते जाएंगे। तो परसिवरेंस के साथ ही आप जा सकते हैं, कंसिस्टेंसी रहेगी आपके पास तभी आप जा सकते हैं। तो हमारा 2-3 साल मेरा ऐसे ही गया फेलियर में। तो 3 साल में थोड़ा सा दुख होता था लेकिन अपने आप को मेंटली फोकस रखते थे कि हाँ ठीक है करना है। फिर फाइनली 3 साल बाद, 3 साल बहुत बड़ा समय होता है। वो 3 साल आपको पता है कि आपने BTech कर लिया है और घर वाले आपको बोलेंगे अरे तुम तो IIT से BTech कर लियो, तुम्हारा दोस्त तो अभी लाखों में कमा रहा है, दुनिया बैठ के बैठे हुए। ऐसे हमारे घर से प्रेशर नहीं था लेकिन नॉर्मली लोगों को प्रेशर आता है। तो आप सोचिए उस प्रेशर के बीच में 3 साल आप बेरोजगार बैठ करके बस तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी एक फेज था जिसमें स्ट्रगल करना पड़ता था, अपने आप को समझाना पड़ता था कि नहीं ठीक है अगर एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग अपने आप को कैसे करना। आज के ज़माने में सबसे बड़ा अगर कोई हिंड्रेंस क्रिएट करना है तो सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है जो आपका मेंटल इनस्टेबिलिटी लाता है वो है फालतू का कंपैरिजन। सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है ये, यही सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ का इश्यू है। इसी के कारण इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लिए तो आपका जिंदगी में कभी कोई मेंटल इशू नहीं होगा। आप लोग जिस एम पे चल रहे हैं उस एम पे बहुत अच्छे से जाएंगे। ये फालतू का कंपैरिजन, इनकम्पैटिबल कंपैरिजन, हम लोग हमेशा बोलते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन। एक बात बताइए, अगर आप आर्ट्स में मास्टर हैं, ठीक है आर्ट्स में मास्टर हैं, आपकी पेंटिंग्स का लोग व्याख्या करते हैं कि अरे ये ऐसा पेंटिंग बनाता है कि ये नेक्स्ट हो सकता है आपको। बहुत सारे ऐसे फेमस पेंटर्स हैं उनका नाम आपको जानते ही होंगे शायद, वो बन जाए नेक्स्ट।
अब उस आदमी को मैथ्स में बिल्कुल नहीं कुछ होता है, ठीक है, बिल्कुल मैथ्स में एकदम बोर है, लेकिन वो पेंटिंग जो करता है वो वर्ल्ड क्लास का करता है। अब आप उसको बोलिएगा तुम जा कर के एसएटी का एग्ज़ाम दो, मैथ का एग्ज़ाम दो, सी सैट दो, कैट दो, ये एग्ज़ाम दो, उसमें पता है उसको फेल करेंगे। ये तो फालतू का आपने प्रेशर किया ना, आपने कंपेरिजन किया कि शर्मा जी का लड़का है फलाना कैट में 100% आया तो हमारा बेटा भी वही करे, ये फालतू का कंपेरिजन हो जाता है। यहाँ पे आप मेंटल प्रेशर में नहीं, आपको पता है कि हम पेंटिंग बनाते हैं, हो सकता है मेरा पेंटिंग एक एक करोड़ करोड़ में बिके, लेकिन वो कैट के एग्जाम देने के लिए माता पिता प्रेशर कर रहे हैं, आपके पी एस आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, ये फालतू का कंपेरिजन नहीं करना है। दूसरा आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों में कोई ऐसा इंक्लूडिंग टीचर्स फैकल्टीज एवरीवन आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई ऐसा आदमी जो सोशल मीडिया पे नहीं है, सब के सब हैं, ये सब तो हैं आइदर ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर और स्नैपचैट, बहुत तरह के होते हैं क्योंकि आप वहाँ पे आप देखते हैं कि आपके कोई फ्रेंड हैं बहुत अच्छी जगह पे चले गए हैं, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल उनका चल रहा है और हम यहीं पे बैठे हुए हैं। आपको बहुत सारे आपके मित्र होंगे ना जो बाहर गए पढ़ने के लिए, गए ही होंगे हाँ, कहीं ना दिल्ली मुंबई जा करके आपको फोटो भेजते होंगे, देखो इंडिया गेट घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, अपना मॉल घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, देखा होगा आपने फोटो। ये कंपैरिजन कि हम यहाँ हैं मेरा मित्र वहाँ जा करके पढ़ रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, इस कंपैरिजन इज रॉन्ग। सोशल मीडिया इज ओनली शोइंग यू द ब्राइटर फेस ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, जो मेरा अच्छा चीज़ है वही हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। सोशल मीडिया पे कभी कोई डालेगा आज पिताजी से चार जूता खा के आए हैं, कोई डालता है? लेकिन आज पिताजी ने हमको गाड़ी गिफ्ट की है, मोटरसाइकिल गिफ्ट किया, वो तो डालेगा ना। ऑलवेज दे शो यू द ब्राइटर फेस, और आपका लाइफ में आप कंपेयर करते हैं, अरे इसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे ज़िंदगी में तो अच्छा चल ही नहीं रहा है। ये दिस कंपेरिजन इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, आप कभी कंपेयर मत कीजिए। वो आप जो भी सोशल मीडिया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देख रहे हैं, जो भी रील्स देख रहे हैं, बहुत हैप्पी फेसेस। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक स्टडी आई थी अभी जिसमें बहुत सारा वीडियोस वगैरह कलेक्ट किया गया था, जो जो लोग सुसाइड करते हैं उनका सुसाइड के स्टेज के जस्ट पहले जब वो डिप्रेशन वाले स्टेज में थे, उसका वीडियो देखिएगा कभी या फोटो देखिएगा, बाहर से हमेशा चेहरा हंसता खिलखिलाता रहेगा और अंदर से आके डिप्रेस रहता है। इसीलिए हम बोले कि बाहर से जो आपको दिख रहा है चमत्कार, उससे कंपेयर मत कीजिए। यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस, दिस इंस्टीट्यूट इटसेल्फ विल प्रोवाइड यू ऑल द काइंड ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी एजुकेशन दैट यू वांट, और एक फोकस करके अपना चलिए, एक टारगेट अपना फिक्स करके चलिए, टारगेट में जो भी आपका टारगेट है उसको दिमाग में रखिए। और देखिए बहुत बार होगा इसमें 99% लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है अपना जो मैक्सिमम टारगेट रखे हो उसको अचीव ना कर पाए, पॉसिबल है, मैक्सिमम टारगेट तो किसी का होगा ना कि हम ये स्टार बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, मेरा भी कुछ और था लेकिन उससे नीचे आगे लटक गया। तो वही 100% लोगों में 99% ऐसे लोग हैं जिनका जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी पहुँचने के बाद नहीं पहुँचते हैं, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है, लाइफ को अच्छे से इन्जॉय करना है। जो आपके आगे आने वाले 3 साल हैं यहाँ पे लीजिएगा, और आगे जो भी सोचे हैं उसको मन लगा के करना है, कोई काम नहीं। अरे टिकटॉक का वीडियो भी बना रहे हो, इतना मन से बनाओ ना कि मिलियन में व्यू जाए, सीधा सा मेरा ये कहना है। आप पेंटिंग ही करें, इतना अच्छा से कीजिए ना कि पेंटिंग देख करके MF Hussain का आपको बोले MF Hussain का उत्तराधिकारी बन गया है। कोई भी काम कर रहे हैं इतना पैसा भी साथ कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हमारा आपको दो शब्द जो हमने आपको बोला वो हमको अच्छा लगा कि नए फेस आए हैं। हम चाहेंगे कि मतलब मेरी अंतरात्मा ये बोले कि कुछ लोग तो आप लोगों में से फॉलो करेंगे हमारी बातों को। क्लैरिटी रखिए, परसिवरेंस रखिए, और जो भी काम कीजिए मन लगा के कीजिए। जो भी काम आप वीडियो कंटेंट बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया स्टार बन जाएंगे उसमें बहुत पैसा कमा रहे लोग, आपका मैथ्स स्किल अच्छा, आप PhD कीजिए मैथ्स में, आगे बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनिए, आपको जो चीज़ अच्छा लग रहा है उसमें बहुत एक्सीव करने की कोशिश कीजिए। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स टू एडमिशन इन प्रेस्टिजियस कॉलेज, आई वॉन्ट यू टू एक्सीव इन विच एवर फील्ड यू चूज फ्रॉम टूडे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, अरुणाचल प्रशासन से लेकर के वीडियो साहब हैं, हम हैं, किसी भी तरीके का कभी कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए, हम लोग हैं। एजुकेशन मामले में कभी भी गाइडेंस की आवश्यकता हो, विल ऑलवेज बी देयर। थैंक यू सो मच। लेट्स टॉक ऑन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जिंदगी में सिर्फ दो चीज़ें
अपनी ज़िंदगी एकदम नियमित और सही हो जाती है। जितनी चीज़ें आपको ज़िंदगी में करनी हैं अगर आप डिसिप्लिन हो तो 50% आपकी लाइफ अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगी, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा अपने आप चीज़ें होती है, चाहे वो दिनचर्या हो आपकी, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, इन सभी के लिए आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, किसी समाज का या किसी देश का अगर आप हिस्सा हैं तो डिसिप्लिन आपको एक अच्छा नागरिक बनाए। अनुशासन का एक और फायदा ये है कि जो चीज़ें आपको सीखनी होती हैं उन चीज़ों को किस सीरियल में या किस सीक्वेंस में अरेंज करना सबसे बड़ा चैलेंज है। जो भी आपको पिछले वाले वक्ता ने बताया कि उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार जब IIT में उन्होंने सफर किया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन्होंने सीखे लिया, 3 times उन्होंने सिविल सर्विसेज दिया, 3rd attempt में IPS और 4th attempt में IAS। वो क्यों था उन्होंने वो भी बताया, पहले के बाद IIT का एंट्रेंस देने के बाद उनको क्लैरिटी आ गई थी, बट क्या रह गया था, हाउ टू सीक्वेंस द थिंग्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स इन द माइंड। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली आज की दुनिया में। हमें ये तो पता होता है क्या अचीव करना है और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे एवेन्यूज़ हैं कि हम कई दफ़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को अपनी प्राथमिकता के हिसाब से कैसे ऑर्गेनाइज करना है, दैट शुड बी वेरी क्लियर, एंड डिसिप्लिन ब्रिंग्स इन दैट। ठीक है, अच्छा, मेरा जो यहाँ पे ध्येय है 13 BNCC Battalion जो कि औरंगाबाद में स्थित है और उसके 5 senior division के कॉलेजेस में से एक कॉलेज हमारा ये है राधा श्याम का। दूसरा एक चीज़ और है कि आप अपने आप से कभी निराश नहीं हो सकते, खुद से निराश नहीं होना। सिस्टम खराब हो सकता है, फैसिलिटी नहीं हो सकती है, आपके घर के आगे कोई दूसरा कचरा फेंक सकता है, कुछ को उठा कर सही तो कर सकते हो, बट ये सोच के अपने घर के आगे कचरा इकट्ठा करने देना उससे आप बीमार पड़ोगे। तो आप अपने आप से और सिस्टम से नाराज मत होइए, कहीं ना कहीं वो उम्मीद की किरण हमेशा है, आपको वो ढूंढनी है। बिकॉज आपके टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आज से 30 साल या 35 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था तो 3 ही 4 stream हुआ करते थे, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, नहीं तो 12वीं के बाद बेकार है, अगर थोड़ा आगे चला गया और उसने ये सब नहीं किया तो फिर से बेकार है, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बेकार है। आजकल ऐसा कुछ नहीं, आज की डेट में साइंस की स्ट्रीम के अंदर 50 sub streams हैं और हर सब स्ट्रीम के अंदर 50 sub streams हैं। सो पहले BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, दैट्स इट। आई विश ईच वन ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट, और 3 साल में नहीं, आप शायद पौने 3 साल में अपना ग्रेजुएशन करें। ठीक है, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट ऑलवेज इन योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू प्रिंसिपल सर एंड मेंटर। आपके मन में उससे संबंधित कोई सवाल आते हैं जरूर पूछ लेना चाहिए,
क्योंकि अगर आप सवाल पूछते हैं तो हो सकता है बाकी पीछे से लोग भरते हैं, हाँ अरे इसको तो ये नहीं आ रहा है, क्लासरूम में होता है ऐसा। तो वो व्यक्ति जो सवाल पूछता है, वो बच्चा जो सवाल पूछता है, सिर्फ उस मिनट के लिए, उस क्षण के लिए बेवकूफ़ बनता है, लेकिन जो सवाल नहीं पूछता है वो पूरी ज़िंदगी में बेवकूफ़ बनता है। ठीक है, हम लोग वैसे ही स्कूल में पढ़े हैं, बूढ़ा भी छा के पढ़े हैं, आपको तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। लेकिन देखिए लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे, उनकी जुबान आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन आलोचना से घबराना भी नहीं चाहिए। उनको जवाब देने का तरीका है, आप अपने काम से जवाब दीजिए, आप अपनी पढ़ाई से, आप अपनी सीख से जवाब दीजिए। एक मुर्गी थी, मुर्गी ने अंडा दिया, एक चील था, तो चील ने मुर्गी के दरबे में अपना अंडा रख दिया, एक अंडा। मुर्गी को ये नहीं पता था कि यह अंडा किसका है, तो मुर्गी ने बहुत दिनों तक उस अंडे को सेवा, अंडा जब समय हुआ उसके फूटने का, उसमें से चूजे निकले, सभी चूजे मुर्गी के थे, एक चूजा चील का, एक चूजा चील का। तो मुर्गी का एक नेचर है, वो नीचे ही देखती है, नीचे ही दाने चुभती है। मुर्गी को आप कभी ऊपर ऐसे नहीं देखिएगा। तो दाने चुभ रही थी, सभी बच्चे दाने चुभ रहे थे, चील का बच्चा था ऊपर देखा, तो देखा आसमान में चील उड़ रहे थे बहुत सारे। तो बोला मुर्गी से, मम्मी देखो ऊपर कौन उड़ रहा है, मुझे भी उतना ऊपर उड़ना है। क्योंकि उसके मन में ये विचार क्यों आया कि तू चील था, लेकिन पैदाइशी वो समझ रहा था मैं मुर्गी हूँ। तो मुर्गी ने कहा, बेवकूफ मुर्गी हो, मुर्गी की तरह हो, देखो वो चील है, वो आसमान में उड़ते, तुम नहीं उड़ सकते। और मुर्गी का ये कहना था, और ये निगेटिविटी उसके अंदर आई और वो कभी नहीं उड़ पाए। तो आपका ये जो कॉलेज है, जितने जो मुर्गी के दरबे में अंडे थे उसमें से ना ये चील का अंडा है, और आप उस अंडे से निकले हुए चील के बच्चे हो, आपके लिए आसमान का पूरा फलक उड़ने के लिए बाकी है। थॉमस अल्वा एडिशन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जब बहुत छोटे थे उनको कुछ भी नहीं आता था, स्कूल में एबीसीडी सीखने लायक नहीं समझा गया और उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। छोटे बच्चों के प्रिंसिपल, उन्होंने एक चिट लिखी थी, वो बच्चा चिट लेकर घर गया, अपनी माँ को दिया, माँ ने पढ़ा, बड़ा संग रखी, उसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा नालायक है, दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, मतलब जितने खराब तरह के विशेषण प्रयुक्त हो सकते थे वो किया गया था। बच्चे को पढ़ना लिखना आता नहीं था, उसने माँ से पूछा, थॉमस अल्वा एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, कि मम्मी इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि बेटा इसमें ये लिखा हुआ है कि स्कूल में कभी ऐसा टीचर नहीं है जो तुमको पढ़ा सकता है, तुम इतने योग्य हो कि तुमको पढ़ाने लायक टीचर ही उस स्कूल में नहीं है। माँ ने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चा इतना काबिल बना, और उससे पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे, बड़ा होकर क्या करोगे, तो वो जवाब देता था, आई विल मेक ए सन, मैं एक सूरज बनाऊंगा। सब लोग बोलते थे कि ये पागल तो पागल ही रहेगा, लेकिन 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बल्ब बनाया जो आप रात की रोशनी में, रात के अंधेरे में आपको रोशनी देता है, ये दुनिया जगमग होती है। जब उससे पूछा गया कि आप तो 9,999 बार फेल हैं, उन्होंने कहा मेरे चश्मे से देखो, मैं 9,999 तरीके ऐसे जानता हूँ जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, सिर्फ एक तरीका है। ये बच्चे की माँ का मोटिवेशन था। तो मोटिवेशन कहाँ से आता है, मेरे कहने से आप मोटिवेट नहीं होंगे, सर के कहने से आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट होंगे, आप अपनी इच्छाओं से मोटिवेट होंगे। आपकी इच्छा क्या, आपकी इच्छा है म्यूजिक करने की,
आपको हारमोनियम बजाने की इच्छा है, मैं कहूँगा बेटा गिटार कर लो, आप मोटिवेट नहीं हो सकते। आपको डांस करने की इच्छा है, आप डांस से मोटिवेट होंगे। आप किसी डांसर को देख के मोटिवेट होंगे, किसी कलेक्टर को देख के आप मोटिवेट नहीं हो सकते। आपको प्रशासक बनना है, आप कलेक्टर को देख के मोटिवेट हो सकते। तो चीज़ें ये हैं कि आपको ये समझना है कि आपको क्या करना है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि उनको जाना कहाँ है। जब व्यक्ति ये जान जाता है कि मुझे जाना कहाँ है, मैं जाना कहाँ चाहता हूँ, तो वो जरूर उस जगह पर पहुँचे। बिल्कुल है, मैंने यही कहा कि आप जब अकेले हो आराम से बैठिए और सोचिए आपको करना क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो आपने कहा कि हमें पता कैसे चलेगा। जानवर के आगे मुट्ठी में घास ले लो और उसको दिखाओ, वो आपकी तरफ आएगा। तो ठीक, दिमाग वैसे ही काम करता है। दिमाग गधे की तरह होता है, दिमाग बैल की तरह होता है। उसको घास दिखाने की जरूरत है। घास क्या है? आपके लाइफ का अचीवमेंट है। घास क्या है? आपके लाइफ का अचीवमेंट है। आप बनना क्या चाहते हैं, आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। आप सोचो और देखो कि क्या वो कैपेबिलिटी आपका है, आपके मुंह से लाल टक्की घास को देखकर, जिस घास को देखने से जैसे ही लाल टपके, मतलब डॉक्टर का नाम लेने से अगर आपको लाल टपके कि मैं डॉक्टर होती या मैं इंजीनियर होता, तो जिससे आपके लाल टपके, जिस जिधर आपको मुड़ने की इच्छा करे वही आपका बेस्ट चॉइस होता है। बड़े मतलब उतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना इस सुनने के लिए आप लोग को धन्यवाद। आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, आदरणीय श्री मनोहर चौधरी जी, सभागार में उपस्थित कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजय बाबू, डॉक्टर उदय नारायण सिंह जी, डॉक्टर जेपी सिंह जी, हमारे अध्यापकगण और अध्यापिकाएं, बच्चियाँ बच्चे, यानी मेरे होनहार छात्र छात्राओं, आज का दिन आपका है और आने वाला कल भी आपका है। शिक्षा के प्रति जागरूकता, यानी हम बने हैं तो दूसरे को बनाए। जो शिक्षक कार्य करते हैं, मैंने सबसे कहा था कि आज आईकॉन आप हम लोग को कोई नहीं मानता, शिक्षकों को कोई नहीं मानता, क्योंकि एक शिक्षक को बड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। जिस तरह से एक पौधा को लगाने में फल पाने के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक परिश्रम करनी पड़ती है, उसी प्रकार एक शिक्षक का जीवन है कि अपने माता पिता के मासूमियत को देखिए, अपने माता पिता की आंखों को देखिए कि ये किसान होते हुए, कृषि कार्य करते हुए, श्रम करते हुए, वो श्रम का पैसा आपको देता है। किस लिए? कि मेरा लाडला, मेरा बेटा, मेरा बेटी एक योग्य नागरिक बन जाए। और योग्य नागरिक बनाने के अगर कहीं मशीन है तो वह एक स्कूल और कॉलेज है। आपको ज्ञान के साथ साथ मानव भी बनना है। आपके पास बहुत ज्ञान हो जाए और आप मानव नहीं बन पाए, नॉलेज हो जाए, फिजिक्स का ज्ञान हो, केमिस्ट्री का ज्ञान हो, फिलॉसफी का ज्ञान हो, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सबका ज्ञान हो, लेकिन वह ज्ञान नहीं है कि आप अपने बड़ों से कैसे व्यवहार करें, माता पिता से कैसे व्यवहार करें, गुरुजन से कैसे व्यवहार करें, समाज में कैसे व्यवहार करें, चलने का आपका ढंग तरीका कैसे हो, बोलने का तरीका कैसे हो, तो आप एक मानव नहीं बन सकते। नतीजा क्या होगा? ये एक्सीडेंट आ जाता है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जो आपका किताबी ज्ञान है वह बिल्कुल समाज को लाभ नहीं पहुंचा पाया। इसलिए प्रकृति ने हमने दो कान दिया है और एक मुंह दिया है। इसी देखिए, कॉलेज में आप श्रवण कीजिए, दिमाग में उसको एप्लीकेशन लगाइए। अगर आप एक बीबीए पढ़ रहे हो, आपको मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं हो, आपको किताब सही तरीके से, घर सही तरीके से, बाल बच्चा सही तरीके से,
परिवार को सही तरीके से नहीं रखता है तो आपका मैनेजमेंट पढ़ना बेकार है। अगर आप कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं और कंप्यूटर का ज्ञान खूब आप लिख लेते हो लेकिन सिस्टमेटिक नहीं कर पाते हो तो अभी ज्ञान बेकार है। आप फिजिक्स के विद्यार्थी हो, केमिस्ट्री के विद्यार्थी हो, किसी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, कोई सब्जेक्ट कम नहीं है और कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं है। सब्जेक्ट का ज्ञान एक रोजगार पाने के लिए होता है, एक अर्थ का लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन मानव अगर बनना है तो आत्मज्ञान होना आवश्यक। और वह आत्मज्ञान तभी पैदा होगा जब आप मूल्यों पर आधारित शिक्षा ग्रहण करेंगे, मूल्यों के बारे में सोचेंगे कि मेरे माता पिता कैसे थे, मेरे दादा दादी कैसे थे, मेरे पूर्वज कैसे थे, तब निश्चित रूप से आप परिवार का भी भला कर सकते हैं, समाज का भी भला कर सकते हैं और प्रखंड और जिला का भी भला कर सकते हैं। धन आती है चली जाती है लेकिन ज्ञान जो है, धर्मता जो है, वह सदैव आपके शरीर में रहेगी, आपके मन मस्तिष्क में रहेगा। और दूसरों का मत देखिए, दूसरा क्या करता है देखा देखिए बहुत चिंतित होते हैं। एक योग कार्यक्रम बनिएगा और मैं मेरी शुभकामना है, हम सबों की शुभकामना है, महाविद्यालय परिवार की शुभकामना है कि आप देश के अच्छे नागरिक अच्छे इंसान बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के आयोजन के अंत में सभा कक्ष में उपस्थित सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।